हेलो फ्रेंड्स, निक है, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं फेसबुक का आईडी को परमानेंट डिलीट कैसे करें। दोस्तों, फेसबुक में बहुत सारे नए नए फीचर्स आ गए हैं, ऐसे में दोस्तों ये होता है कि फेसबुक जो आईडी है उसको परमानेंट किस तरह से डिलीट किया जाता है और कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ। तो गाइस, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे शुरू दोस्तों हमें अपने फेसबुक के एप्लीकेशन में चले जाना है। चलिए गाइस, फेसबुक के एप्लीकेशन में चलते हैं और वहां बस आपको बताता हूं कि फेसबुक के आईडी को परमानेंट डिलीट किस तरह से करते हैं। तो सिंपल से दोस्तों आपको फेसबुक में आ जाना है। फेसबुक में आने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए राइट साइड के आपको टॉप में 3 लाइन मिल जाएगा, इसमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, या तो इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो एक नीचे साइड में भी आपको मिल जाता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो सिंपल से हमें ऊपर वाले में चले जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सेंटर और नीचे में है पर्सनल डिटेल, तो आपको पर्सनल डिटेल में इस तरह से चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आईडी शो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अकाउंट सेटिंग के नीचे में अकाउंट्स है और पर्सनल डिटेल्स है, तो सिंपल से आपको पर्सनल डिटेल्स में चले जाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अकाउंट ऑनरशिप का ऑप्शन है, तो सिंपल से इसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन शो होता है आपको, एक मेमोरियलाइजेशन और दूसरा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो सिंपल से हमें डीएक्टिवेशन और डिलीशन में क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो आपको आईडी शो हो रहा है, एक तो आपका फेसबुक का और दूसरा इंस्टाग्राम का। दोस्तों मेटा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को यहाँ पर कवर किया हुआ है, इसलिए दोनों आईडी शो हो रहा है, तो सिंपल से हमें ये फेसबुक वाले एप्लीकेशन में चले जाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आप अभी भी परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन है और दूसरा है यहाँ पर परमानेंट, तो दोस्तों आप डीएक्टिवेट करना चाहेंगे तो इसमें क्लिक कर लेना है। यदि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसको अनटिक करके यहाँ पर परमानेंट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर फेसबुक आपसे रीजन मांगेगा कि किस वजह से आप फेसबुक आईडी को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का फिर ऑप्शन हो जाता है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद इसको ऊपर के साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपका जो फेसबुक का आईडी का पासवर्ड है उस पासवर्ड को एक बार डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर एक पॉपअप शो हो जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपका जो फेसबुक जो आईडी है वो 30 दिन के बाद पूरा तरह से परमानेंट डिलीट कर दिया जाता है। यदि आपने फेसबुक को 30 दिन के अंदर एक भी बार आप लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका जो फेसबुक है वो पूरा तरह से डिलीट हो जाता है। और 30 दिन के अंदर यदि आप नहीं चाहते हैं कि मेरा आईडी पूरा परमानेंट डिलीट ना हो तो फिर से 30 दिन के अंदर में यदि आपने लॉगिन कर लेते हैं तो आपका आईडी जो है परमानेंट डिलीट नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और आप नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कौन नए वीडियो में दोस्तों, तब तक ले टाटा।